Assalamu alaikum, students of class 9. It is my chemistry lecture number 24. And you know that we are studying the chapter 4, periodicity of elements. We have ended it in the last previous lecture. We have discussed about some periodic properties of atoms, in which we have discussed about the atomic radii, ionization energy, then electron affinity and electronegativity. And I have given you the homework class. Hopefully you all are doing the homework, and you have learned, you have heard about the new announcement that the checking will checking through the internet, it has been stopped, and the teachers are doing the checking in the copies and journals. So please submit your homework in the proper way. ठीक है, तो अपना homework जो है proper way में, किसी packet में, parcel में, अपने name tag के साथ एक proper presentable way में जो है आप reception पे submit करवा सकते हैं. Please अपना homework submit करवाना शुरू करें. And you know that there are the marks for the attendance के marks हैं. ठीक है, homework के जो है homework भी countable है, अटेंडेंस के मार्क्स हैं क्लास. ठीक है, तो आपने ये सब कुछ जो है सबमिट करवाना है. टाइमिंग यू नो दैट 9 to 1:30. ठीक है, ये टाइमिंग है. इन टाइमिंग्स में आपका होमवर्क सबमिट करवाएं, फिर आपको जो है जब इन्फॉर्म कर दिया जाए तो विजिट कर लेना. ओके, तो मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट्स का होमवर्क केमिस्ट्री का आया है क्लास, तो प्लीज़ अच्छा खासा टाइम हमें आपको मिला है, तो प्लीज ट्राई करें कि कंप्लीट कर लें. यू नो दैट वी हैव डन द चैप्टर नंबर 1. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ठीक है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. वी हैव डन द चैप्टर नंबर 6, स्टेट्स ऑफ मैटर. एंड नाउ इस चैप्टर नंबर 4 इट इज गोइंग टू बी एंडेड. ठीक है ना, ये भी हमारा एंड पे है बिल्कुल. अब टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ इट. तो आपको पता है कि 3 चैप्टर जो है हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल आज एंड पे है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा. तो क्लास 3 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, और इसका अच्छा खासा आपके पास होमवर्क सबमिट होगा, तो प्लीज को होमवर्क सबमिट करवाइए. ठीक है, अदरवाइज इट विल इफेक्ट योर मार्क्स. तो ये मार्क्स जो है आपको, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ये बहुत जल्द आपको आपके लिए अनाउंस कर दिया जाएगा. राइट, ओके ना क्लास, वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 4. प्लीज लुक एट द पेज नंबर 75. राइट, and it is the these are the fill in the blanks of this page. Fill in the blanks are here to objective. We are doing the objectives kar rahe hain pehle exercise mein. Exercise mein question answer bhi hai, objective bhi hai. So first of all we are doing the objectives. Okay, number 1, the rule of triad was introduced by, you know, the rule of triad was introduced by Dobriner. It is called as the Dobriner's classification. रूल ऑफ ट्राइड. ठीक है ना, ये डॉब्रिनर क्लासिफिकेशन है, डॉब्रिनर साइंटिस्ट ने इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया था. राइट राइट स्पेलिंग ऑफ द डॉब्रिनर. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी. राइट, इट इज ऑल्सो द डेफिनेशन. डेफिनेशन की भी वर्डिंग यही है, पीरियोडिसिटी. नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट पीरियड इज डैश पीरियड. ठीक है ना, इट इज द सिक्स पीरियड. एंड नेक्स्ट ये डैश आपके पास एंड. ठीक है ना, एंड एंड के बाद नेक्स्ट जो डैश आपके पास एंड कंटेन्स टोटल डैश एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स है इसमें, 32 एलिमेंट्स है. सिक्स पीरियड सेवन पीरियड आर इक्वल 32 एलिमेंट्स है. ये सिक्स पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, 32 एलिमेंट्स. ठीक है, इसमें लेंथ एंड हाइट सीरीज से कनेक्ट करता है ये, तो दैट इज द सिक्स पीरियड. नेक्स्ट आपके पास एक क्लास पॉइंट है, द एलिमेंट्स दैट कंटेन बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज मेटालॉइड्स. नंबर 4 पॉइंट, दे आर नोन एज मेटालॉइड्स. ओके, मेटालॉइड्स. सो दीज आर द ब्लैंक्स. प्लीज डू इट. अगर कर दी आपने तो रिचेक कर ले, कैन बी द करेक्शन. ठीक है, मेटालॉइड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज, नेक्स्ट पॉइंट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स डैश ग्रुप एंड डैश पीरियड. ठीक है, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में है, कितने द लॉन्ग फॉर्म ऑफ
periodic table contains dash unum and dash periods. आपके जो model periodic table है इसमें कितने आपके पास periods हैं? You have the eight group. Basically तो eight है ना, eight A, eight B. वो हम divide करते हैं A and B group branches में divide करते हैं. But basically we have the eight groups. ठीक है, eight dash है and seven periods. ठीक है, seven periods. Number 6 point is that according to Mendeleev, the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. जो Mendeleev का periodic table किस base पे बना था class? आपको पता है कि वो बना था atomic mass की base पे. Dobryna classification, Newland classification, Laudermeyer and the Mendeleev. These all were made on the basis of atomic masses. Atomic masses की base पे बने थे. तो इसको इसमें जो हमारे लिए प्रोडक्ट टेबल है, इट वाज आल्सो इट फंक्शंस ओवर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस. ठीक है, क्लास प्लीज डू दिस. ऑफिस में करनी, जर्नल्स में कर ले तो बेटर है, अगर नहीं तो एटलीस्ट बुक पे तो जरूर भी कर ले क्लास. नाउ नेक्स्ट इज द टेक द करेक्ट आंसर. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मेंडेलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियडिक लॉ इन 1856. इट इज ट्रू और फॉल्स? ठीक है, आपने इसको बताना है कि जो मेंडेलीव ने जो है 1856 में अपना पीरियडिक लॉ जो है वो रिप्रेजेंट किया था. 1856 इज फर्स्ट पीरियड कंटेन्स टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम. राइट, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. दैट इज ट्रू, इट इज फॉल्स. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट पॉइंट. द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियडिक टेबल इज द सेवन पीरियड. ठीक है, सेवन इट इज द सेवन पीरियड. लॉन्गेस्ट पीरियड इज द सेवन पीरियड. ठीक है, इट इज फॉल्स क्लास. के फॉल्स क्यों है? बिकॉज सिक्स पीरियड इज नोन एज द लॉन्गेस्ट पीरियड एंड सेवन पीरियड इज नोन एज द इनकम्प्लीट पीरियड. वाई इनकम्प्लीट? बिकॉज देयर इज द होप टू डिस्कवर द न्यू एलिमेंट्स. ठीक है, तो इसलिए इनकम्प्लीट पीरियड है, लॉन्गेस्ट सिक्स पीरियड को माना जाता है. Lanthanide and actinide are D block elements. Wrong. ठीक है, false. Why? Because they are F block elements. They are not D block. ठीक है, F block elements हैं, D block नहीं है. Next point is, down the group, electronegativity increases with increasing atomic number. It is also false. ठीक है ना? क्या है ये? ये false है. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट डजंट इंक्रीज, इट डिक्रीजेस. ये डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज सो इट डिक्रीजेस. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये फॉल्स है, मिल गया हुआ. अच्छा, क्लास नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है आपके पास. सिर्फ द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज इंट्रोड्यूस बाय जॉन न्यूलैंड. ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट, इट इज इंट्रोड्यूस बाय जॉन न्यूलैंड. राइट क्लास, तो इट इज ट्रू, इट ट्रू है. ठीक है ना, न्यूलैंड इट इज कॉल्ड एज न्यूलैंड क्लासिफिकेशन. तो न्यूलैंड जो साइंटिस्ट है, इनके नाम से क्लासिफिकेशन है. अच्छा, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम फॉर्म अ ट्राई. ठीक है, जो एग्जाम्पल थी आपके पास डॉब्रिना क्लासिफिकेशन में, एग्जाम्पल किसकी थी क्लास? लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम की एग्जाम्पल थी. फिर वही लिखा हुआ है, फिर लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम दे फॉर्म अ ट्राई अकॉर्डिंग टू द डॉब्रिना क्लासिफिकेशन. सो इट इज ट्रू. ठीक है, क्लास नोट कर लेंगे सारे. Right, sorry, points. So these are the answers. Now we will move to the first the exercise number C. अच्छा, अगर आपको ये पास लग रहा है, जहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन क्लासेस है, तो आप जो है वीडियो को स्टॉप करके आंसर्स को जो है बहुत इजिली मैच कर सकते हैं. राइट, थर्ड क्वेश्चन इज पिक अप द करेक्ट आंसर. ठीक है ना, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, MCQ question in class. ठीक है ना, पिक अप द करेक्ट आंसर. ऑप्शंस आर गिवन हियर.
Number 1, Mendeley periodic table contains dash periods 7, 8, 12, 10. Okay? You know that it contains 8 periods. Okay? Second point is that it contains 12 periods. Okay, na? Mendeley periodic table. You have to pass. It contains 12 periods. मैं उस पर चली गई थी मॉडर्न पीरियड टेबल. इट कंटेन 12 पीरियड. ठीक है ना, ये 12 पीरियड्स कंटेन करता है क्लास. सो इट इज द अकॉर्डिंग टू द मेंडेलीव पीरियडिक टेबल. ठीक है, इट कंटेन 12 पीरियड. और जो है आपके पास में जो है 12 पीरियड ये कंटेन करता है. ओके, नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन है 7, 8, 12 एंड 10. सो और 12. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है क्लास हम द इनकम्प्लीट पीरियड इन द पीरियडिक टेबल. जब हम बात कर रहे होते हैं जनरली जब किसी पीरियड का रेफरेंस ना हो तो हम बात कर रहे होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल की. ठीक है, तो इसमें इनकम्प्लीट पीरियड इन द पीरियडिक टेबल इज 7 6 3 1 7 right class 7 right. अभी बताया था 7 जो है इनकम्प्लीट पीरियड है और 6 जो है लॉन्गेस्ट पीरियड है. ठीक है, तो ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियडिक टेबल. मेंडेलीव पीरियडिक टेबल की अकॉर्डिंग था ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल की अकॉर्डिंग है. ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सोडियम कॉपर आयरन कैल्शियम. ठीक है, सोडियम एन ए सोडियम सी यू कॉपर एफ ई आयरन और सी ए कैल्शियम. सो द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज द कॉपर. थर्ड क्लास का आंसर है कॉपर. कॉपर. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है द ओनली लिक्विड मेटल इज डैश मोलिब्डेनम गोल्ड मर्करी ब्रोमीन. यानी फोर ऑप्शन है मोलिब्डेनम गोल्ड मर्करी और ब्रोमीन. इनमें से लिक्विड कौन सा है? ठीक है, लिक्विड चीज कौन सी, लिक्विड मेटल कौन सा है इसमें, राइट क्लास. तो इट इज नोन एज द मर्करी. ठीक क्लास, मर्करी इज द एलिमेंट विच इज सॉलिड एज वेल एज लिक्विड. तो आंसर क्या है बस यहाँ पे मर्करी, बिकॉज लिक्विड सब्सटेंस नहीं लिखा हुआ, लिक्विड मेटल है. लिक्विड मेटल है तो वो मर्करी है. ठीक है, मर्करी इज नोन एज ए सॉलिड. सॉलिड कंसिडर करते हैं इसे और इसको लिक्विड भी दोनों ग्रुप में लेते हैं इसको. तो ब्रोमीन का सिर्फ सॉल्यूशन है, लिक्विड है. ठीक है, इट्स नॉट द मेटल. सो दैट्स व्हाई ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन क्या है, मेटल नहीं है वो. और मर्करी जो है ये लिक्विड और सॉलिड दोनों कंसिडर होता है लेकिन मर्करी जो है ये मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी. दैट इज नोन इट इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिक्विड मैटर. नेक्स्ट आपके पास क्लास नंबर 5 दादर मेयर कर्व इंक्लूडेड अबाउट डैश एलिमेंट्स. ठीक है, लादरमेयर कर्व था, लादरमेयर क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी क्लास, उसमें जो सा कर्व था. ठीक है ना, उसमें कितने एलिमेंट्स है, देयर वर 56 एलिमेंट्स. 56. ठीक है, ऑप्शंस गिवन है 30 40 56 62. तो 56 इज द राइट आंसर. नंबर 6 क्लास, नंबर 6 आपके पास टू विच फैमिली डज गैलेनियम बिलोंग. ठीक है ना, जी ए गैलेनियम. ठीक है, कौन सी फैमिली से गैलेनियम बिलोंग करता है. सच अब क्वेश्चन यू कैन सी द पीरियडिक टेबल. ठीक है, पीरियडिक टेबल से भी आप देख के हल ले सकते हैं, उससे आप जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आंसर ऑप्शंस आर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन. आंसर इज बोरॉन. जो गैलेनियम है बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है, बोरॉन फैमिली का मेंबर है. नंबर 7 पॉइंट इज द एलिमेंट्स ऑफ सामान्य ग्रुप आर नोन एज हैलोजन्स लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स. ठीक है, सामान्य ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं क्लास, they are known as halogens. ठीक है, तो सामान्य ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं सामान्य, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो हमने पढ़ा था. इनर्ट फैमिली इनर्ट गैसेस पढ़ा था, उसके बाद हमने एटी ग्रुप सामान्य जो हैलोजन मेंबर्स. ठीक है ना, हैलोजन फैमिली. सो मतलब एलिमेंट्स ऑफ सामान्य ग्रुप आर नोन एज हैलोजन्स. राइट क्लास, सो दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ पिक ऑफ द करेक्ट आंसर. Now please move towards the question answer class.
ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया अब यहाँ तक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करने के बाद नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर क्लास, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास ये, क्वेश्चन 4, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग डब्लिनर रूल ऑफ ट्राइड, यू हैव डन इट क्लास, मॉडर्न प्योरिटी टेबल, प्योरिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे आपने किए हुए हैं चैप्टर स्टडी करते हुए, हमने इसको होमवर्क भी दिया था मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, इफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू शेल्स ओनली एंड इट्स ऑटो शेल कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, देन टू विच ग्रुप द एलिमेंट बिलोंग इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेम द एलिमेंट प्रिडिक्ट इट्स पीरियड, देखिए बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। इफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू शेल्स, ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट है जिसके दो शेल है, राइट, इट इज द न्यूक्लियस, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके टू शेल्स है, यानी कौन से टू शेल्स कौन से हो गए, के शेल और एल शेल, के शेल और एल शेल, हेंस दे है उसका एलिमेंट का नाम बताना है हमने, ठीक है, टू शेल्स है। एंड इट्स ऑटोमोस शेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, ऑटोमोस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट फाइल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ठीक है, 2 फाइल जो कम्प्लीट होगा फिर कम्प्लीट होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 7 हो गए क्लास, ठीक है। अब 7 एटॉमिक नंबर किसका है, ठीक है, नाइट्रोजन, राइट क्लास, 7 एटॉमिक नंबर इज द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एलिमेंट है इसका, एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 7 + 7 = 14, ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन भी 7 होंगे इसके, राइट क्लास, ये फाइंड आउट कर लिया हमने। तो अब करना क्या है इसमें, टू विच ग्रुप द एलिमेंट बिलोंग इन द पीरियोडिक टेबल, नेम द एलिमेंट प्रिडिक्ट इट्स पीरियड, ठीक है ना, इसका नेम कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ठीक है, ग्रुप ऑटोमोस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन से क्लास, तो इसका जो ग्रुप है वो कौन सा होगा, ग्रुप 5A होगा, राइट क्लास, ठीक है, ग्रुप कौन सा होगा, जाहिर है इसके ऑटोमोस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑटोमोस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, जब इसके ऑटोमोस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है जितना जो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे इसको, उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बैलेंस नाइट्रोजन फैमिली और ग्रुप 5, ठीक है, एक आंसर हो गया इसका। और नेक्स्ट है पीरियड इज पीरियड, इसका पीरियड कौन सा होगा क्लास, ठीक है ना, इसका हमने जो है नाइट्रोजन फैमिली का जो है हमने पीरियड बताना है कि नाइट्रोजन जो है किस पीरियड में कंटेन करता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है आपके पास सेकंड पीरियड है, ठीक है, फर्स्ट में तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, तो जाहिर है सेकंड पीरियड नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, इसका पीरियड कौन सा है, नाइट्रोजन के लिए, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ये दो चीजें पूछी गई है, सेकंड पीरियड, लास्ट पार्ट का आंसर क्या है, सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड का में नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट मेंडेल्स पीरियोडिक टेबल, डिस्क्राइब मेंडेल्स पीरियोडिक टेबल, राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडेल्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एडवांटेजेस तो दिए हैं क्लास, डिसएडवांटेजेस डिफेक्ट्स के नाम से दिया हुआ है बुक में, डिफेक्ट्स के नाम से, तो डिसएडवांटेजेस ही है, मेंडेल का ये भी हमने पूरा डिटेल में किया था। नेक्स्ट एक्सप्लेन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, हाउ दिस लॉ प्रोवाइडेड लार्जर स्कोप फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक क्लास, ये क्वेश्चन भी आपने किया था, एक फेल क्यों हुआ था और किस तरह से एलिमेंट्स के स्पेस से लार्जेस्ट स्कोप दिया था, ये पूरा जो है न्यूलैंड क्लासिफिकेशन में ही इसका पूरा आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज केमिकली सिमिलर, केमिकली क्या है वर्ड, केमिकली, केमिकली कौन सा पेयर सिमिलर है, एक जैसा है, ठीक है, पेयर दिए हुए यहाँ पे कौन सा है, के सी आर, के इज द पोटेशियम, सी आर इज द क्रोमियम, कॉपर, नेक्स्ट बी में है कॉपर, सी यू कॉपर, सी ए कैल्शियम, फिर नेक्स्ट आपके पास है फ्लोरिन, क्लोरिन, और फिर नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो केमिकली सिमिलर पेयर इज द फ्लोरिन एंड क्लोरिन, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन, फ्लोरिन क्लोरिन, क्यों, बिकॉज दे बोथ आर द हैलोजन्स, क्लोरिन फ्लोरिन, ठीक है, एंड इन ऑटोमोस शेल ऑफ देयर दे ऑल बिलोंग टू द 7A ग्रुप, 7A ग्रुप से है, और इसके ऑटोमोस शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है,
इसलिए इनके जो रिएक्शन है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, केमिकली सिमिलर बिहेव करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज में कॉमन है जो किसी और में नहीं मिलेंगी, हमें किसी और पेयर में नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्योरिटेबल, ठीक है, बाय लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्योरिटेबल एक्सप्लेन सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। बट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्योरिटेबल क्लास पीरियड नंबर 6, इसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आप देख देंगे, ठीक है ना, और इसकी जो जो इसके पॉइंट्स है वो आप इसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी एप्लीकेशन क्या होंगी, इट बिलोंग्स टू द लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है, सिक्स पीरियड जो है लैंथेनाइड पीरियड से बिलोंग करता है, उसका थोड़ा सा आप डिटेल देंगे उसकी जो है ना, उसके बारे में जो है ना बताएंगे, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है डिस्कस सम ऑफ द, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आंसर नहीं देने, बस शॉर्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर करने। डिस्कस सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जिबिट पीरियोडिसिटी, ठीक है, डिस्कस सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द, कुछ एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फ्लोरीन है, इसका कलर क्या है, किस गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, इसको हाइड्रोजन ग्रुप से ही बता रहे हैं आप, ठीक है, क्लोरीन है इसका बता रहे हैं, तीन चार को बता रहे हैं आप, ठीक है, क्लोरीन है, गैस है, क्या कलर है, ठीक है, हमें सब पढ़ा हुआ है। तो इसमें से आपके पास ग्रुप नंबर 7 में एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 8A में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7A और 8A ग्रुप से बता रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स के नेम आए हैं उनके जो भी आपको एलिमेंट्स इजिली याद हो जाएंगे आप उनकी जो है प्रॉपर्टीज बता दें, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे इनकी। द एलिमेंट्स हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नोन एज, यानी वो एलिमेंट्स जिनके ऑटोमोबाइल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन से होते हैं, नॉबल और इनर्ट गैसेस, हैलोजन्स, नाइट्रोजन फैमिली, ट्रांजिशन, ऑब्वियसली नॉबल और इनर्ट गैसेस, ठीक है, नॉबल और इनर्ट गैसेस, दे बिलोंग टू 8A ग्रुप एंड दे हैव द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ऑटोमोबाइल, ठीक है क्लास। तो ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, हाउ डज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिफर फ्रॉम मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है, एक्सप्लेन क्लियरली ग्रुप्स एंड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, जो आपके पास ये दोनों किस तरह से डिफरेंट है क्लास, ठीक है। तो देखिए सबसे जो मेन डिफरेंस है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल और जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से डिफरेंट है, सबसे जो मेन जो सबसे ऑब्वियस क्लियर लास्ट डिफरेंस है इनका, ठीक है क्लास, वो क्या है, बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, क्या है, एटॉमिक मासेस, it was made on the basis of atomic number, ठीक है, बहुत बड़ा great difference है कि atomic number की base पे से modern periodic table बना है और periodic जो है वो atomic masses की base पे बना है, ठीक है, और जो है इसमें periodic में जो है आपके पास कितने ग्रुप ऑफ पीरियड है, ठीक है ना, और मॉडर्न में कितने ग्रुप ऑफ पीरियड है, ये पॉइंट बता दीजिएगा, सही है। अच्छा, periodic में जो है देर वर द एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है, बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस थी, मॉडर्न पीरियड टेबल में एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, ठीक है, ये पूरा अच्छा कम्प्लीट टेबल है, ऑथेंटिक टेबल है, ठीक है, और जो है ये सारे हाँ मेंडेलीव पीरियड टेबल में हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं था, जबकि मॉडर्न मेंडेलीव में हाइड्रोजन का एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं था, जो फर्स्ट एलिमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एलिमेंट नहीं था, ठीक है, और जो है मॉडर्न पीरियड टेबल में हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है वो रखा गया है। सो दीज आर द 4 डिफरेंसेस, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, 4 आर इनफ, ठीक है। एक्सप्लेन क्लियरली ग्रुप्स एंड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, बहुत डिटेल क्वेश्चन आंसर है कि आपके ग्रुप्स और पीरियड मॉडर्न पीरियड टेबल के बताने हैं, कौन से हैं, क्या है, उनकी डिटेल बतानी है। अच्छा देखिए, वी अटेम्प्ट द आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जैसे एग्जाम में करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो देखिएगा ये किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आता है ये वाला, या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है, तो अब कितने मार्क्स का आता है इसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने आंसर करना होता है। अगर शॉर्ट है तो जाहिर है थोड़े से पॉइंट कम कर सकते हैं, अगर लॉन्ग है तो उसमें थोड़े से पॉइंट 2-3 पॉइंट थोड़े से पॉइंट ज्यादा दिखे, ठीक है, राइट क्लास। अच्छा, लॉन्ग और शॉर्ट में के मार्क्स में लाइक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके, तो उनका जो प्रीवियस बता रही क्लास, प्रीवियस जो पेपर आए हैं उनके बिहाफ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं वो एक पार्ट, इन 2 पार्ट्स के होते हैं ए एंड बी, तो एक पार्ट जो है वो 7 मार्क्स का होता है,
तो उसके अकॉर्डिंग आंसर किया जाता है. अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स इन द पीरियोडिक टेबुलर फॉर्म. ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछा है, क्लास एनिमल्स के बारे में पूछा है. ठीक है, तो ये भी आप इसका भी आंसर जो है आप ट्राई करिए करने के लिए, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लीजिएगा. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मेन और मेन एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप. ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी ग्रुप. ठीक है क्लास, तो जो आपके पास जो ये 16 आपके पास ग्रुप्स हैं, तो 16 ग्रुप कैसे हैं कि 8 ए ग्रुप है और 8 जो है बी ग्रुप है. तो जो ए ग्रुप है वो रिप्रेजेंटेटिव और मेन एलिमेंट्स हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स बी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और भी पॉइंट्स आपको इसीलिए मिल जाएंगे. डिस्कस द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, इसके इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियाई. ठीक है क्लास, इनमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपने दो तीन पॉइंट जो है इसमें से आपने निकाल के लिखनी है. आपको इस टॉपिक्स में मिल जाएंगे, आप देखिएगा टॉपिक्स में मिल जाएंगे आपको. ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज. क्लास, लैंथेनाइट एक्टिनाइट आपके पास पीरियड जो है दिए हुए हैं, वहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर जिस तरह आपके पास दिया हुआ है क्लास, वहाँ से आपको पूरा जो है इसका पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इजीली. द पेज नंबर इज दिस वन 65. ठीक है, पेज नंबर 65 पे है लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज ग्रुप 6 पीरियड एंड 7 पीरियड में, पेज 65 पे आपको यहाँ से मिल जाएगा. अच्छा, आर दे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है या एफ ब्लॉक एलिमेंट है. ठीक है, पता ही आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये पहले भी रिपीट हुआ है, दे बिलोंग टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज दे बिलोंग टू द F block elements. Okay, class, now we have done the exercise. We have done the chapter. पूरा हमने कर लिया है. ठीक है, ये